बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्पाइसी एंड स्वीट्स विद फ़ायज़ा में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाने वाला रोज़ वाटर, और कुछ ब्यूटी टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी जो हम रोज़ वाटर से आसानी से घर में ब्यूटी इन्हेंस कर सकते हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ ली हैं। गुलाब मैंने देसी गुलाब लिया है, और इसको हम साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। पत्तियाँ ली हैं मैंने 100 ग्राम यानी एक दरमियानी प्लेट भर के मैंने ली है पत्तियाँ ये। इसे हम साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। जिनको स्किन इरिटेशन होती है या जिन्हें एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो रोज़ाना स्प्रे करें इसे अपने फेस पे 15 से 20 मिनट तक, और फिर इसको वॉश कर लें। एक पैन लिया है जिसमें मैंने 5 कप पानी ऐड करा है, और सारी गुलाब की पत्तियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट तक छोड़ देंगे। अक्सर लड़कियों को अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है। आप एक रुई कॉटन बेड लें, उसके अंदर रोज़ वाटर को एब्जॉर्ब करें, और उसको 15 से 20 मिनट तक अपने आइस पे लगा करके छोड़ दें। लेट जाएं थोड़ी सी देर और उसको लगा लें। आप एक हफ़्ता भी ये इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना, आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होएगा। जिनकी आँखें पफीनेस होती हैं, काफ़ी स्वेलिंग सी रहती है, उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये। और एज़ अ टोनर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों की 2-टोन स्किन हो जाती है, और स्किन को ये टाइट भी करता है, स्किन को पोर्स को लॉक करता है। आप इसको रोज़ाना फेस पर सिर्फ स्प्रे करें और थोड़ी सी देर छोड़ दें 15 से 20 मिनट, फिर आप फेस वॉश कर लें। एक हफ्ते में ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, देखिए हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पत्तियों का कलर बिल्कुल चला गया है। कितना प्यारा सा कलर था पत्तियों का, अब सब चला गया है। और जो सारा उसके अंदर जो भी रोज़ वाटर का जो भी सारा अर्क था, वो सब पानी में शामिल हो गया है। मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। रोज़ वाटर हमारा बन करके रेडी हो गया है। जो पत्तियों का कलर था वो सारा रोज़ वाटर में शामिल हो गया है। खूबसूरत सा रेड सा ये कलर बन के रेडी हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा रोज़ वाटर बनकर रेडी हुआ है। इसको हम ठंडा होने देंगे, और सारी जो ये पत्तियां हैं इसको स्ट्रेन कर लेंगे हम अच्छी तरह से, और सारा रोज़ वाटर अलग कर लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। आप ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो। आप इसे नेल्स पर भी अप्लाई कर सकती हैं, किसी भी कॉटन बड पे रोज़ वाटर एब्जॉर्ब करके आप नेल्स पर अच्छी तरह से इसे लगाएं, और इससे आपके नेल्स लॉन्ग, ब्राइट और शाइनी से हो जाएंगे। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगी तो आपका फेस ग्लो भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा, और एक्नी भी कम होगी। फेस पे पिंपल होते हैं, ये इन सब चीज़ों को भी रोकता है। आप चाहें तो इसे फेस पैक भी बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड करें या एलोवेरा ऐड करें, फेस पैक बनाएं और उसे इस्तेमाल करें, या वैसे ही इसे रेगुलर स्प्रे करें। आप मेकअप करने से पहले भी इसे फेस पर स्प्रे कर लें और थोड़ी सी देर लगा रहने दें, फिर फेस वॉश करके आप मेकअप करें। आपका मेकअप बहुत प्यारा सा होगा। ये देखें, एक घर में मेरे पास स्प्रे बॉटल थी, मैंने उसके अंदर इसे रख लिया है। आपने इसे फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर नहीं रखना है। बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें लाजमी आपको इसको फ्रिज में स्टोर करना है। आप इसे बालों के भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे बाल सिल्की और शाइनी से हो जाते हैं। और आप नहाने के पानी में इसे इस्तेमाल करें, इससे आपका बॉडी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहेगी। अगर आपको रोज़ वाटर के ये बेनिफिट्स और रोज़ वाटर की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।